तो सेकंड डेरिवेटिव अगर आपने एफ का कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने एफ फंक्शन पे दो दफा डेरिवेटिव अप्लाई करना होगा। अगर आप लोगों ने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो एफ का यानी कि थर्ड डेरिवेटिव, तो आप लोग क्या करेंगे कि एफ को 3 दफा डिफ्रेंशिएट करेंगे। दो दफा डिफ्रेंशिएट करने का क्या मतलब है कि आप लोग डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करें। अब डी वाई बाई डी एक्स जो फंक्शन बनेगा आप लोगों ने इसी फंक्शन को अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप लोगों के पास क्या होगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दी फंक्शन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग हायर डेरिवेटिव जो है उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखें कि ये एग्जांपल जो है ये हमें क्या बता रही है कि दी फर्स्ट फोर डेरिवेटिव्स ऑफ वाई विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² + 2x आर दिस। तो अब इस एग्जाम्पल में क्या है कि ये हमारे पास फंक्शन है और इसके हम लोगों ने फर्स्ट फोर डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट फोर डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे वाई का सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, जो कि से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग वाई डैश से। फिर आप लोग वाई का डबल डेरिवेटिव लेंगे जो कि से रिप्रेजेंट किया जाएगा वाई डबल डैश से। वाई का थर्ड डेरिवेटिव जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है वाई ट्रिपल डैश। इसका मतलब क्या है कि वाई फंक्शन को आप लोगों ने 3 दफा डिफरेंशिएट करना होगा। और फोर्थ डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि ये जो लास्ट फंक्शन आया है वाई ट्रिपल डैश, इसको आप लोग अगेन डिफरेंशिएट करोगे। तो सबसे पहले जब आप लोग वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 3x² - 6x आ जाएगा, ठीक है। पावर में से एक माइनस तो क्या बना 3x², इधर क्या आएगा पावर पहले पावर में से एक माइनस, तो ये एलिमेंट जो है ये क्या बन जाएगा -6x। 2 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया। अब वाई का सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का क्या मेथड है कि आप लोगों ने वाई डैश का डेरिवेटिव लेना है। तो क्या होगा पावर पहले पावर में से एक माइनस 6x, 6x का डेरिवेटिव क्या होगा 6। अब थर्ड डेरिवेटिव वाई का कैसे कैलकुलेट होगा कि आप लोग इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा। और फोर्थ डेरिवेटिव के लिए जब आप लोग इसका डेरिवेटिव लोगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज। तो देखें कि सबसे पहले स्लोप जो है अगर आप लोगों को याद हो या आप लोगों ने अगर रेट ऑफ चेंज दो पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करना होता था तो कैसे करते थे। सपोज ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमने दो पॉइंट ले लिए एक x1 और एक x2, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देखना चाहेंगे फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वो क्या है कि जो स्लोप का फॉर्मूला था वही हमारे पास रेट ऑफ चेंज डिफाइन करता था कि हम लोग क्या करते थे कि एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 करते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं x2 - x1 से। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास ये आ जाता है रेट ऑफ चेंज फंक्शन का ऑन द इंटरवल 1 to x1 to x2, ठीक है। तो स्लोप जो है वो क्या देती है रेट ऑफ चेंज देती है ऑन द इंटरवल। तो अब हम लोग देखते हैं कि डेरिवेटिव को आप लोग रेट ऑफ चेंज की सेंस में किस तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या है कि द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स नॉट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एट एक्स नॉट। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ अगर आप लोगों ने फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि x1 आप लोगों के पास ये था x2 ये था पॉइंट। तो अगर आप लोगों ने x1 to x2 इंटरवल में फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो तो आप लोग क्या करते थे कि f(x2 - f(x1)/x2 - x1 करते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज आ जाता था ऑन द इंटरवल x1 to x2। अब अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि आप लोगों ने फंक्शन का रेट ऑफ चेंज बताना है सिर्फ और सिर्फ x1 पॉइंट पे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि आप लोग क्या करेंगे कि इस x2 को आप लोग अप्रोच करेंगे टूवर्ड्स x1,
यानी कि इसी का जो लिमिटिंग केस होगा व्हेन एक्स टू अप्रोचेस टू एक्स वन, वो हमारे पास क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दे देगा। ठीक है, एक्स टू को आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक्स वन प्लस एच के साथ। तो देखेंगे फिर ये हमारे पास डेरिवेटिव का ही फॉर्मूला आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है किसी भी पॉइंट पे, वो फिजिकली आपको क्या बता रहा होता है, उस फंक्शन का जो रेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है एट दैट पॉइंट, वो डिफाइन कर रहा होता है आप लोगों के पास। ठीक है, देखेंगे रेट ऑफ चेंज जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो जो स्लोप का फॉर्मूला है वही हमारे पास रेट ऑफ चेंज जो है वो भी फंक्शन का डिफाइन करता है। ठीक है, लेकिन ये किस पे डिफाइन करेगा, ये एक्स टू और एक्स वन इंटरवल पे डिफाइन करेगा। ठीक है, यानी एक्स वन टू एक्स टू इंटरवल जो होगा, ठीक है, उस इंटरवल पे ये हमारे पास आ जाएगा फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, जो कैसे आएगा, स्लोप का फॉर्मूला यूज करने से। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तो यस स्लोप सर, का फॉर्मूला जो है वो इंटरवल पे रेट ऑफ चेंज देता है। अगर आप लोगों से ये कहा जाए कि आप लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज फाइंड करें फंक्शन का, ठीक है, तो आप लोग फिर क्या करेंगे, आप लोग ये करेंगे कि इंटरवल का जो सेकंड एंड है उसको क्या करेंगे, उसी पॉइंट के करीब ले आएंगे जिसके आप लोगों ने रेट ऑफ चेंज डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग ये कहेंगे कि अब जो आप लोग इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं वो हमारे पास इस फॉर्म का होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास स्लोप का फॉर्मूला और इस इंटरवल को यूज करने से जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो किस पॉइंट के दरमियान होगा, एक्स नॉट और एक्स नॉट प्लस एच। अगर आप लोगों ने सिर्फ एक्स नॉट पे रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो आप लोगों को क्या करना होगा कि ये वाला जो टर्म है इसमें आप लोग ये एज्यूम करोगे कि एच जो है ये अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स जीरो। जब एच टूवर्ड जीरो अप्रोच करेगा तो ये इंटरवल जो है वो क्या होगा, इस सेट को अप्रोच कर जाएगा। मतलब क्या हुआ कि फिर जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाएगा एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करें कि वही जो स्लोप का फॉर्मूला है उसमें एक्स वन को एक्स नॉट पुट करें, एक्स टू को एक्स नॉट प्लस एच पुट करें। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, लिमिट लेनी है एच अप्रोचेस टू जीरो, तो ये लिमिट आ गई एच अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, अब ये सारा एक्सप्रेशन क्या बन गया है, ये सारा एक्सप्रेशन जो है ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि डेरिवेटिव जो है वो क्या है, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डिफाइन करता है फंक्शन का, किस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे जिस पे आप लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर फंक्शन है और ये कहा जाए कि वन पे आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इस फंक्शन का डिफाइन करें, तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले वाई डैश कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आ जाएगा टू एक्स। अब आप लोग क्या करेंगे कि इस वाई डैश को रिस्ट्रिक्ट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू वन, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू किस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वन पे। तो ये जो आंसर आया है ये है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एक्स के एट द पॉइंट वन। सो अभी आप लोगों ने क्या याद रखना है कि अगर आप लोगों ने किसी इंटरवल पे फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो तो आप लोग क्या करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जो क्या है, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, और ये आपको रेट ऑफ चेंज किस पे देगा, एक्स वन टू एक्स टू इंटरवल पे देगा। अगर आप लोगों ने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाएगा एट दैट पॉइंट। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए आप लोग फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोगों ने फिर उस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है जिसपे आप लोगों को फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना होगा। अब ये देखेंगे, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या कह रही है कि द एरिया ऑफ द सर्कल इज रिलेटेड टू इट्स डायमीटर बाय द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि एक सर्कल जो है उसका एरिया जो है डायमीटर में इस इक्वेशन के साथ डिफाइन किया गया है। ठीक है, हाउ फास्ट डज द एरिया चेंज विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर व्हेन डायमीटर इज 10 मीटर। ठीक है, तो क्या है कि डायमीटर को चेंज करने से, ठीक
ठीक है, आप लोगों के पास एरिया जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा सर्कल का, ठीक है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अब वो ये कह रहा है कि आप लोगों के पास जो सर्कल है, ठीक है, उसका डायमीटर क्या है? ये सर्कल तो नहीं बांध सका, लेकिन आप लोग इसको एज्यूम करेंगे ये सर्कल ही है, और डायमीटर जो है वो हमारे पास क्या है? 10 मीटर है। अब वो क्या कह रहा है कि आप लोगों के पास जो सर्कल है उसका डायमीटर क्या है? 10 मीटर है। अब अगर आप लोग 10 मीटर वाले सर्कल में क्या करेंगे, डायमीटर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे या थोड़ा सा, रेडियस आपने डाल लेना। ये डायमीटर हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग अगर डायमीटर जो है जिस सर्कल का 10 होगा, 10 मीटर, उस में थोड़ा सा डायमीटर ओवर ऐड करेंगे या थोड़ा सा डायमीटर कम करेंगे, ठीक है, तो एरिया का जो रेट ऑफ चेंज है यानी कि एरिया किस रेट पे चेंज होगा, ठीक है, हाउ फास्ट डज द एरिया चेंज व्हेन द डायमीटर इज 10 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आप इधर बताना है, ठीक है। प्रॉब्लम समझ आ गई आप लोगों को? क्या है कि सर्कल कौन सा है जिसका डायमीटर 10 मीटर है। अब अगर 10 मीटर वाले डायमीटर के सर्कल में आप लोग कुछ डायमीटर ऐड करोगे या कुछ डायमीटर कम करोगे, तो एरिया जो है वो कैसे चेंज होगा, ठीक है, हाउ फास्ट डज द एरिया चेंज, तो ये हम लोगों ने बताना है। तो आप लोग क्या करेंगे, तो देखेंगे अब ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का ही केस बन रहा है, ठीक है। ये कौन सा केस है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इधर एक्स नॉट की वैल्यू को आप लोगों ने क्या लेना है, इधर एक्स नॉट की वैल्यू को आप लोगों ने 10 लेना है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आप लोगों ने एक्स नॉट जो है वो क्या होगा, इस इक्वेशन में डी की वैल्यू होगी, डी नॉट की। अब आप लोगों ने डी की वैल्यू को पुट करना है 10, तो जब डी की वैल्यू आप लोग 10 इधर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आंसर क्या है कि द एरिया इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 पाई मीटर स्क्वेयर पर मीटर, ठीक है। कि अगर आप लोग 10 डायमीटर के सर्कल के 10 डायमीटर वाले सर्कल में, ठीक है, डायमीटर को कुछ ऐड करोगे या उस डायमीटर में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, तो एरिया का जो रेट ऑफ चेंज है वो हमारे पास ये होगा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि अगर डायमीटर आप लोगों का सर्कल का 100 है तो तब भी उसमें भी कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से यही रेट ऑफ चेंज आ रहा हो एरिया का, ठीक है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? सर एक्सक्यूज जी, सर, हमने डायमीटर को 10 पुट किया है इसमें, इधर डी की वैल्यू मिला, तो अब इधर 10 मीटर था ना, तो इधर से मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर कैसे आ गया? ये जो है इधर से यूज किया गया है कि एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और डायमीटर का यूनिट जो है वो क्या होगा, मीटर होगा। इधर वेलोसिटी की जो है डेफिनेशन वो क्या है, the velocity is the derivative of position with respect to time, ठीक है। velocity क्या है, derivative है किसका, position का with respect to time। अब speed आप लोग कितना calculate करते थे ये बताएं मुझे, distance divided by time, distance divided by time कर देते थे, ठीक है। तो देखेंगे velocity जो है instantaneous velocity, ठीक है, हम जो इधर वेलोसिटी डिस्कस करने लगे हैं वो कौन सी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करनी हो तो आप लोग क्या करेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होगी, इज द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब पोजीशन जो है किसी भी पार्टिकल की या जो भी हमारे पास केस होगा उसकी आप लोगों के पास पोजिशन डिफाइन की जाएगी बाय सम फंक्शन, ठीक है, कि इस फंक्शन में आप लोग टाइम की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो आप लोगों के पास आती जाएगी। तो अगर आप लोग इस पोजीशन का डेरिवेटिव लेने विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो हमारे पास क्या डिफाइन कर देगा, वेलोसिटी को डिफाइन कर देगा, ठीक है। और ये सिर्फ वेलोसिटी नहीं बल्कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है।
अगर आप लोग टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो फिर हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी एट दैट पॉइंट। तो ये हमारे पास फिर क्या है कि अगर आप लोगों ने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आप लोगों को क्या करना होगा कि पोजिशन फंक्शन जो है या पोजिशन वेक्टर आप लोग कह रहे हैं, उसको आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह अगर आप लोगों ने स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है किसी भी पार्टिकल की, तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करेंगे या वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी अब आप लोगों को पता है कि आप लोग पोजिशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर आप लोगों ने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ले लेनी है, ठीक है। अब वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ये बात भी समझ आ गई? यस सर। एक्सेलरेशन क्या होगा कि वेलोसिटी को आप लोग डिफरेंशिएट करने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, वेलोसिटी बनेगी, ठीक है। तो जब आप लोग वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप लोग एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो फिर हमारे पास जर्क जो है वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप लोग क्या कह सकते हैं कि पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, वेलोसिटी है। पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। और पोजीशन का थर्ड डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, जर्क कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन से हमारा डिस्टेंस ले सकते हैं। जी बिल्कुल, पोजीशन का मतलब ही ये है कि सपोज ये हमारे पास कोई पार्टिकल था, ठीक है, और ये पार्टिकल जो है वो ट्रेवल करता जा रहा है, सपोज इस पाथ के अलोंग वो ट्रेवल किया है, ठीक है। अब ये जो इसकी टाइम डिफरेंट टाइम्स पे इस पार्टिकल की जो पोजीशन होगी, ठीक है, ये हमारे पास डिफाइन होगी बाय सम फंक्शन। ठीक है, अब आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें, आप क्या कह रहे थे? सर कह रहा था कि पोजीशन को हम यहाँ पर डिस्टेंस ले सकते हैं, मतलब डिस्टेंस कह सकते हैं इसको। पोजीशन को आप लोग डिस्टेंस कह सकते हैं। अरे देखें कि क्या है कि ये पोजीशन जो है ये आप लोगों के पास वेक्टर्स के थ्रू भी मैयर की जाती है, ठीक है। पोजीशन जो है ये आप लोग क्या कर सकते हैं, थ्रू वेक्टर भी मैयर कर सकते हैं। जैसा कि ये इधर में अगर आप लोगों को सही पिक्चर क्लियर हो रही हो, तो इधर अब ये वेक्टर्स जो हैं, यानी जो पोजीशन इन पार्टिकल्स की पोजीशन को डिफाइन करने वाले वेक्टर हैं, ये पोजीशन वेक्टर कहलाते हैं। अब ये पोजीशन वेक्टर जो है वो किन पॉइंट्स के दरमियान है, एक उनका पॉइंट जो है वो फिक्स है ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट जो है वो इधर वाला पॉइंट होगा ए वन। अब ये वेक्टर आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये वेक्टर आप लोग डिफाइन करेंगे कैसे कि अगर मैं इसको जीरो जीरो कह लूं और इसको मैं कह लूं ए वन ए टू, ठीक है। तो ये वाला जो वेक्टर है ये आप लोग फिर इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं माइनस आई कहकर, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा एट द पॉइंट टी नॉट, अगर आप लोग इसको कह लें, तो ये हमारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर। तो अब पोजीशन वेक्टर जो है क्या वो डिस्टेंस है कि नहीं, आप बताएं मुझे। पोजीशन वेक्टर को आप लोगों ने जो डिस्टेंस है उसके साथ मैच नहीं करना, ठीक है। डिस्टेंस के साथ आप लोग इसको मैच ना करें, आप लोग देखें इस पोजीशन वेक्टर जो है वो डिफरेंट चीज है और डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट चीज है। अच्छा अब ये देखें कि ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो क्या बता रहा है कि दिस फिगर शोज द फ्री फॉल ऑफ ए हैवी बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है। ये फिगर जो है ये बता रही है कि सपोज आप लोगों के पास एक हैवी बॉल थी, ठीक है, और इस बॉल को आप लोगों ने एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया है विदाउट पुटिंग एनी फोर्स ऑन इट, ठीक है। तो क्या है कि आप लोगों ने इस बॉल को जस्ट रिलीज किया है इस हाइट के से, ठीक है, आप लोगों ने किसी फोर्स के साथ इसको नीचे की तरफ नहीं फेंका। अब ये दो केसेस जो हैं ये आप लोगों ने इस
सिचुएशन के लिए कैलकुलेट करने होंगे। और फर्स्ट क्या कहता है कि हाउ मेनी मीटर डज द बॉल फॉल्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है। और सेकेंड केस जो है वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी स्पीड एंड एक्सेलरेशन देन। देन का मतलब क्या है कि जब आप लोगों के पास टाइम क्या होगा, 2 सेकेंड्स होगा। अब देखें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग फ्री फॉल इक्वेशन जो है उसको यूज करेंगे। और फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्री फॉल इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है, एस इज इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर। तो अब अगर आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन आप लोगों के पास क्या आ गई, एस इज इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर। तो फर्स्ट क्या है कि हाउ मेनी मीटर डज द बॉल फॉल इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है, कि फर्स्ट 2 सेकेंड्स में जो बॉल है वो कितने मीटर फॉल कर चुकी होगी। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि टी की जो वैल्यू है वो 2 लेनी है और वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। तो जब आप लोग टी को 2 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 19.6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि जब टाइम जो है क्या होगा, 2 सेकेंड होगा फ्रॉम जीरो, तो आप लोगों के पास ये जो बॉल है ये कितने मीटर फॉल कर चुकी होगी, ये तकरीबन 19.6 मीटर जो है वो फॉल कर चुकी होगी। अच्छा, अब क्या है कि व्हाट इज द वेलोसिटी स्पीड एंड एक्सेलरेशन देन, ठीक है, यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे, यानी कि जब बॉल इस पोजीशन पे आएगी तब इसकी स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगी। तो वेलोसिटी का आप लोगों को पता है कि क्या फॉर्मूला है, ds/dt, ये है आप लोगों के पास वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, d2s/dt स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, या आप लोग इसको क्या कह सकते हो, dv/dt। और स्पीड के लिए आपको पता है कि आप लोग वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ले लेते हो। तो सबसे पहले आप लोग ये डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लोगे, और फिर क्योंकि आप लोगों ने इस पोजीशन पे वेलोसिटी स्पीड और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी थी, तो फिर आप लोग क्या करोगे कि वेलोसिटी जो है वो कैसे आएगी, ds/dt, और फिर आप लोगों ने इस फॉर्मूले में टी की वैल्यू को टू पुट कर देना होगा। फिर आप लोग वेलोसिटी का डेरिवेटिव लोगे एक्सेलरेशन के लिए, और फिर जो वेलोसिटी का डेरिवेटिव बनेगा, यानी जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा, उसमें आप लोग टी को टू पुट कर दोगे, तो आप लोगों के पास इस पोजिशन पे एक्सेलरेशन जो है वो भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये देखेंगे वेलोसिटी हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट की, कि हमने जो पोजीशन है उसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 9.8 t, ठीक है, 9.8 t। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें टी की वैल्यू को टू पुट कर देना है, तो आप लोगों के पास जब टाइम क्या होगा, 2 सेकेंड्स होगा, तो बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या बनेगी, 19.6 मीटर। इसी तरह अगर आप लोगों ने स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आप लोगों ने इसी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी, जो अगेन यही आ जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई सबको? यस सर। हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों लिया, डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया दोबारा? नहीं, देखेंगे स्पीड का क्या है, स्पीड के लिए आप लोगों ने पढ़ा था कि ds/dt, यानी कि वेलोसिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो स्पीड कहलाती है, और एक्सेलरेशन के लिए आप लोगों ने वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना है, यानी कि आप लोग इस फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा, 9.8 आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या आ गई, 9.8 आ गई है। अब इसमें टी इन्वॉल्व नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जो है थ्रू आउट हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगी। तो जब आप लोग टी की वैल्यू को 2 भी पुट करोगे तो तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी इज इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी क्या होगी, 19.6 मीटर पर सेकंड, और स्पीड जो है वो भी इसी के इक्वल होगी। उसका क्या फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ velocity, या आप लोग क्या कह सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ
पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी आप लोगों ने ये इस जगह पे कैलकुलेट कर ली थी। अब अगर आप लोग इसका अगेन डेरिवेटिव लोगे तो आप लोगों के पास एक्सलरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इधर से फिर एक्सलरेशन आप लोगों के पास क्या बनेगी, 9.8। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये आंसर जो है ये एक कांस्टेंट आंसर है। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि इसमें टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इधर से आप लोगों को क्या पता चला कि जो एक्सलरेशन है वो थ्रू आउट द मोशन या मूवमेंट क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब जब टाइम आप लोग टू ले लेंगे तो तब भी आप लोगों के पास जो एक्सलरेशन की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें वो ये बता रहा है कि एक रॉ के ऊपर डायनामाइट ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, और इस ब्लास्ट से कोई एक पर्टिकुलर पार्ट जो है रॉक का, ठीक है, वो क्या हुआ है, उसने मूवमेंट शुरू की है। अब वो मूवमेंट किस तरह की है कि डायनामाइट ब्लास्ट से जो रॉक का कोई पार्ट था वो क्या हुआ कि अपवर्ड मूव करना शुरू हो गया, ठीक है। वो उसने एक सर्टन हाइट तक अपवर्ड मूव किया और उसके बाद वो फिर वापस आएगा और एट सम पॉइंट वो हमारे पास वापस जमीन पे आके गिर जाएगा, ठीक है। ए डायनामाइट ब्लास्ट ब्लोस ए हैवी रॉक स्ट्रेट अप विद लॉन्चिंग वेलोसिटी 160 फीट पर सेकेंड। इट रीचेस ए हाइट ऑफ एस इज इक्वल टू 160 टी माइनस 16 टी स्क्वायर फीट पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या है कि डायनामाइट ब्लास्ट से ये जो रॉक की मूवमेंट हुई थी, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ये है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि इट रीचेस द हाइट एस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इस इक्वेशन से क्या है कि इसकी पोजीशन जो है उसको आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग टी को 1 सेकेंड लोग पे और इधर आप लोग टी की वैल्यू 1 पुट करो तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसकी पोजीशन आ जाएगी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। फिर अगर आप लोग इधर टी को 2 पुट कर दोगे, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इस रॉक की जो पोजीशन होगी आप लोगों के पास वो आ जाएगी, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई। तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो इधर कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को ये बताया गया है कि जो आप लोगों के पास पार्टिकल है वो क्या है, एक रॉक का कोई पार्ट है, ठीक है, या रॉक है, हैवी रॉक है, और ये जो मूवमेंट है ये कैसे स्टार्ट हुई है, एक डायनामाइट ब्लास्ट से स्टार्ट हुई है, ठीक है। इस रॉक की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी या लॉन्चिंग वेलोसिटी जो है वो हमारे पास ये है, और इस रॉक की जो पोजीशन होगी एट एनी टाइम इंटरवल वो आप लोग इस इक्वेशन से डिस्कस कर सकते हैं या इनके ऑब्टेन कर सकते हैं। वो ये कह रहा है कि आप लोगों ने इस केस के लिए ये चारों चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट ये है कि हाउ हाई डज द रॉक गो, यानी कि रॉक जो है वो मैक्सिमम कितना जमीन से ऊपर जा सकती है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द रॉक व्हेन इट इज 256 फीट अबव द ग्राउंड ऑन द वे अप एंड ऑन द वे डाउन, ठीक है। अब देखेंगे रॉक जो है अगर वो ब्लास्ट से ऊपर गई है तो ऊपर जाके फिर वो एट सम पॉइंट वो अपवर्ड मूव करेगी और फिर इस पॉइंट के बाद वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगी। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर रॉक की हाइट क्या हो, 256 फीट हो फ्रॉम दी ग्राउंड, ठीक है, तो आप लोगों ने इस हाइट पे वेलोसिटी बतानी है। अब 256 फीट जो है हाइट वो कब आएगी, एक दफा वो आएगी जब रॉक जमीन से दूर जा रही होगी और दूसरी दफा ये हाइट अगेन आएगी जब रॉक वापस जमीन की तरफ आ रही होगी, ठीक है। तो यही बात उसने इधर
यही है कि आप लोगों ने इन दोनों पोजीशंस पे क्या बतानी है, वेलोसिटी और स्पीड जो है रॉक की वो बतानी है एट 256 फीट हाई। सर ये 256 की मैक्सिमम हाइट बता रहे हैं? नहीं नहीं, ये अभी हमें नहीं पता कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, अभी सिर्फ हमें ये पता है कि इस हाइट के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, वेलोसिटी और स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर ये मैक्सिमम हाइट होगी तो फिर ये एक ही टाइम इंटरवल पे आ रही होगी, अगर ये मैक्सिमम हाइट नहीं होगी तो फिर ये दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आएगी, टाइम वैल्यूज पे आएगी। ठीक है, जो स्मॉलर टाइम वैल्यू होगी वो होगी जब रॉक जो है वो जमीन से ऊपर की तरफ जा रही होगी, और जो ग्रेटर टाइम वैल्यू होगी वो होगी जब रॉक वापस जमीन की तरफ आ रही होगी। ठीक हो गया, मतलब एक टाइम हमें प्लस लेने, एक टाइम माइनस लेने। नहीं नहीं, प्लस माइनस नहीं है, सपोज ये वैल्यू है हमारे पास t इक्वल टू 0 जब ब्लास्ट हुआ। ठीक है, इधर हमारे पास आ जाएगा मे बी t इक्वल टू 3 आ जाए, फिर इस जगह पे हमारे पास अगर ये मैक्सिमम हाइट नहीं है तो फिर इधर जो वैल्यू है वो आएगी 6, 7, 8, 9 कुछ भी होगी। तो ये देखें कि अब आपने ये दो वैल्यूज आ गई टी की, एक 3 और एक 7 सपोज। अब इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, स्मॉलर वैल्यू 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे जो रॉक है वो अपवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, और वो इस हाइट पे पहुंची, और इसका मतलब क्या है कि अब रॉक जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द रॉक एट एनी टाइम। ठीक है, आप लोगों ने एक्सीलरेशन बतानी होगी। ठीक है, एट एनी टाइम, अब मतलब क्या है एनी टाइम का, कि आप लोगों ने टी की पर्टिकुलर वैल्यू जो है एक्सीलरेशन के फॉर्मूला जो एक्सप्रेशन है उसमें पुट नहीं करनी। तो एक्सीलरेशन आप लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, कि आप लोग वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लेते थे। ठीक है, तो इधर भी आप लोगों ने वेलोसिटी का डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करना होगा एक्सीलरेशन के लिए, लेकिन फिर आप लोगों ने उसमें टी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट नहीं करनी। क्यों नहीं पुट करनी, उसकी वजह ये है कि इधर वो एक्सलरेशन पूछ रहा है एट एनी टाइम। ठीक है, एट पर्टिकुलर टाइम वो नहीं पूछ रहा। अच्छा, जो लास्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है कि व्हेन डज द रॉक हिट्स द ग्राउंड अगेन। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि वो टाइम तो की क्या वैल्यू होगी जब रॉक जो है वापस जमीन पे आ जाएगी, यानी जमीन को हिट करेगी। ठीक है, तो वो टाइम वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि इधर आप लोग इस इक्वेशन को यूज करोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वो इक्वेशन है जो आप लोगों के पास रॉक की पोजीशन को डिफाइन करती है एट एनी टाइम। ठीक है, या एट द टाइम टी। अब आप लोगों को ये भी पता है कि अगर आप लोगों ने वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो आप लोग क्या करते हो, पोजीशन को ही क्या करते हो, डिफ्रेंशिएट करते हो। ठीक है, पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी, सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। तो हम लोग आते हैं अपने पार्ट ए की तरफ कि हाउ हाई डज द रॉक गोस। ठीक है, कि रॉक जो है वो मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकती है। ठीक है, अच्छा अब देखें कि सपोज आप लोगों के पास ये एक रॉक मौजूद थी, ब्लास्ट हुआ, रॉक ने अपवर्ड मूव करना शुरू कर दिया, फिर एक सर्टन टाइम पे जाके इसने अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव की, और फिर उसके बाद ये दोबारा वापस इसने डाउनवर्ड मूव करना शुरू किया। अब देखें कि जब रॉक अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगी तो उस जगह पे रॉक जो है वो क्या हो जाएगी, अपवर्ड मूव करना रुक जाएगी और फिर वो डाउनवर्ड आएगी। तो मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो है वो फिर आप लोगों के पास मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर। यस, तो अब हमने क्या करना है कि ये अगर देखना है कि रॉक कितना ऊपर जाएगी, तो इसके लिए हम लोग इसी चीज को यूज करेंगे कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, 0 होगी। तो देखेंगे सबसे पहले फिर आप लोग वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करें, जो क्या होगा
पोजीशन का डेरिवेटिव होगा और वो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया कि सिंपल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अब हमें ये पता है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी, तो हम लोग इस वैल्यू को जीरो के इक्वल रखेंगे। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व करना है, तो आप लोगों के पास टाइम जो है वो क्या आएगा, 5 सेकेंड्स आ जाएगा। कि इसका मतलब क्या हुआ कि रॉक की जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारे पास इस टाइम पे होगी जब टाइम जो है टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स होगा। अब आप लोग टी की इसी वैल्यू को इस पोजीशन में, पोजीशन फंक्शन में पुट कर दें। ठीक है, तो जब इस पोजीशन फंक्शन में आप लोग टी की 5 वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा, जिसका मतलब क्या हुआ कि रॉक की जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या होगी, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे अचीव होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, 400 फीट्स होगी। अच्छा, उसके बाद पार्ट बी क्या कहता है कि व्हाट आर द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द रॉक व्हेन इट इज 256 फीट अबव द ग्राउंड। अच्छा, अब देखेंगे ये 256 जो है ये किसकी वैल्यू है, ये है वैल्यू s की। तो आप लोगों ने क्या करना है बी पार्ट के लिए कि आप लोग इस जगह पे 256 फीट रखेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों के पास टाइम की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, एस की वैल्यू को 256 लिया, एस फंक्शन के में एस की पोजीशन पे इसको पुट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इधर तक बात सबको समझ आ गई? यस सर। अब आप लोगों ने क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप लोग इसके फैक्टर्स बना के इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग लास्ट स्टेप पे इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। और इधर से आप लोग क्या कह सकते हैं कि टी की 2 वैल्यूज आएंगी, 1 2 और 1 8, तो ये फैक्टराइजेशन आप सब लोग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे टाइम की 2 वैल्यूज आ गई, एक टी इज इक्वल टू 2 और एक टी इज इक्वल टू 8। तो जैसा कि मैंने बताया था कि स्मॉलर वैल्यू कौन सी वाली होगी जिसपे रॉक अपवर्ड मूव कर रही होगी, और हायर वैल्यू कौन सी होगी जिसपे रॉक डाउनवर्ड मूव कर रही होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या बताना था कि वेलोसिटी जो है रॉक की वो बतानी थी एट 256 फीट ऑन द वे अप एंड ऑन द वे डाउन। तो आप लोग क्या करेंगे, अब इस एक्सप्रेशन को एस का डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, एस का डेरिवेटिव लेंगे तो आप लोगों के पास क्या आंसर आएगा, 160 माइनस 32t। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी अगर आपने क्या फाइंड करनी है, 256 फीट हाई ऑन द वे अप, तो आप लोग क्या करेंगे, टी की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, और अगर आप लोगों ने वेलोसिटी फाइंड करनी है एट द हाइट ऑफ 256 फीट ऑन द वे डाउन, तो आप लोग टी की वैल्यू को 8 पुट करेंगे। तो ये है हमारे पास वेलोसिटी के आंसर। फिर अच्छा, अब क्या है कि व्हेन डज द रॉक हिट्स द ग्राउंड, कि रॉक जो है वो ग्राउंड को कब हिट करेगी। अच्छा, अब देखेंगे रॉक अगर ग्राउंड को हिट कर चुकी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसी इक्वेशन में एस को 0 पुट करना है और टी का रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो जब आप लोग एस को 0 पुट करेंगे तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास टी की 2 वैल्यूज आएंगी, एक टी इज इक्वल टू 0 और एक टी इज इक्वल टू 10। अब टी इज इक्वल टू 0 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनिशियल टाइम था। ठीक है, जब ब्लास्ट हुआ था, तो इस पे तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि रॉक जो है वो जमीन को हिट करेगी। ये वाली जो टी की वैल्यू आई है यही हमारे पास वो टाइम है जब रॉक जो है वापस जमीन को हिट करेगी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 10 यानी टाइम 10 सेकंड होगा तो रॉक जो है वो वापस जमीन को हिट कर जाएगी। तो आप लोगों ने इधर इसके रूट्स 2 आए थे, एक 0 और एक 10, तो ये नहीं कहना कि 0 जो है इससे भी रॉक जमीन को हिट करेगी। ठीक है, रॉक जो थी उसकी हाइट 0 थी। ठीक है,
और लास्ट जब हुआ तो हमने तब से टाइम नोट करना शुरू किया था। तो इस रूट को आप लोगों ने कंसिडर नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ इस रूट को कंसिडर करना है।